इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और वो क्या है कि जी हमने बना लिए तमाम फॉसिल्स, बना लिए वो फॉसिल्स के जिनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि वो उन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हैं, ये जिन ऑर्गेनिजम्स ने जो है वो लाइफ स्टार्ट की, ओरिजिन ऑफ लाइफ से एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स के हमने फॉसिल्स देखे कि प्रोकैरियोट्स कैसे बने। फिर हमने ये देखा था कि एरोबिक और एनएरोबिक एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है, और एरोबिक एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को एरोबिक सिचुएशन क्यों चाहिए होती है। इसमें हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऐसा कौन सी जगह होती है जहाँ पर जाके ऑक्सीजन यूज़ होनी होती है, और जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने उस पॉइंट पर जहाँ उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को यूज़ करना होता है, हमने वहाँ एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन एटम वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह की बात जो है वो हमारी लास्ट टाइम हुई थी। बट अब जो हमारे हम जिस स्टेज पर आ खड़े हुए हैं उसमें क्या है, उसमें ये है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्वड। यूकैरियोटिक क्योंकि ये भी तो एक बात है ना, कि ये भी तो एक जानने वाली बात है ना, कि आपने ये भी तो देखना है कि जो पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना। आपने तमाम बातें कर ली कि पहले समुद्रों के अंदर वॉल्केनोज के करीब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, वहाँ पर जनाब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइफ बनी, फिर वेसिकल्स बने लिपिड्स के, फिर उनके अंदर जो है वो आरएनए की जो मौजूदगी थी उसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्शन हुई, ओके फाइन। फिर उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती गई तो वो प्रोकैरियोट्स बन गए, फिर उन प्रोकैरियोट्स ने आहिस्ता आहिस्ता क्या डेवलपमेंट शुरू की, उन्होंने डेवलपमेंट शुरू की ऑक्सीजन की, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गए, ये सारा कुछ जो है ये आपने देखा। लेकिन उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने हैं उनमें जो सबसे बड़ा फर्क हमें इन दोनों में नजर आता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, वो सबसे बड़ा फर्क हमें बेटा नजर आता है मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स का। जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। याद रखिए कि कोई भी ऐसा यूकैरियोट नहीं होगा जिसमें मेम्ब्रेन ना हो। मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि एवरी ऑर्गेनेल, जो ऑर्गेनेल है, ये बात मैं गालबन आप लोगों से काफ़ी पहले भी कर चुका हूँ कि जो ऑर्गेनेल है उसकी डेफिनेशन में ये शामिल है कि ऑर्गेनेल इज द वन विच हैज़ द वो बायलेयर मेम्ब्रेन अराउंड इट, बायलेयर मेम्ब्रेन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी, जिनके सेल के अंदर मेम्ब्रेन मौजूद है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स कहलाएंगे। अब मेम्ब्रेन से मेरी मुराद आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। याद रखिए, अगर आप बात करते हैं कॉमन मेम्ब्रेन की, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की कॉमन मेम्ब्रेन है उसकी आप बात करते हैं, तो इनमें कॉमन मेम्ब्रेन जो है वो वाली है जो आउटर है, जो जिसने साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ है, जिसको आप अब एक और बात भी सुन लीजिए। आउटर मेम्ब्रेन से मुराद वो वाली मेम्ब्रेन है जिसको प्रोकैरियोट्स में आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और यूकैरियोट्स में आप उसी मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोट्स में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं और प्रोकैरियोट्स में उसको सेल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? जी बेटा, ये प्रॉपर वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है? जी किसी को नहीं हो? याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो आप तब कहते हैं जब देर इज नो मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल, जब सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन ना हो, सिर्फ सेल के बाहर हो। ठीक है, अगर सेल के अंदर कोई ना, तो फिर आप उस जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बट अगर सेल के अंदर और मेम्ब्रेन्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो भी मौजूद है। ठीक है, इसके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब सेल के अंदर इतनी ज्यादा मेम्ब्रेन्स मौजूद हो ना, तो फिर आप आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, फिर आप आउटर बाउंड्री को क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन जो किसके अराउंड है? साइटोप्लाज्म के अराउंड है। यानी अब यहाँ पर जो बात हमें समझ आई कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन है
वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है सिर्फ, बाकी कोई मेम्ब्रेन और मौजूद नहीं होगी। ये एक बड़ा पेट डिफरेंस है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में है। जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर बाकी मेम्ब्रेन्स मौजूद होंगी, ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि यहाँ पर अब आप एक और बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो हैं, डेफिनेट सी बात है कि सबसे पहले बनने वाले जो प्रॉपर सेल थे वो प्रोकैरियोट्स थे। तो अगर प्रोकैरियोट्स ही डिवेलप होकर यूकैरियोट्स बना रहे हैं तो कैसे, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके तो अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं है। अभी आपने बात की है जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके अंदर गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स हैं। इन सब के अंदर इर्द गिर्द क्या मौजूद है, इन सब के इर्द गिर्द बाईलेयर लिपिड मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर तो मौजूद है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूकैरियोट में ये मेम्ब्रेन्स हैं और प्रोकैरियोट्स में नहीं है तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उन्होंने यूकैरियोट्स को जो है वो जन्म दिया हो, या वो किस में कन्वर्ट हुए हो, वो यूकैरियोट में कन्वर्ट हुए हो। दिस इज द बिग क्वेश्चन। यहाँ से शुरू होती है आपके वो चीज़ के जिसके बारे में आप कहते हैं कि अब आपने जो है ना वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो थ्योरी पढ़नी है, हाइपोथेसिस कह रहे हैं, हाइपोथेसिस है बेसिकली, लेकिन वो इस कदर ज़्यादा एविडेंसेस से सपोर्ट हो रहा है कि आप उसको कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है उसको थ्योरी ही कहा जाता है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का बनना है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती है करता है कॉन्सेप्ट, वो है एंडोसिम्बायोसिस जो है वो ये इसको आप थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस या एंडोसिम्बायोंट थ्योरी भी कहते हैं आप इसको, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट के ख्याल में दिस इज नॉट येट अ थ्योरी, दिस इज अ हाइपोथेसिस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको जाहिर है कि किसी ना किसी हद तक इसको निगेट भी करती हैं। तो बेसिकली जो बात करने की है कि एंडोसिम्बायोंट थ्योरी क्या है, एंडोसिम्बायोंट थ्योरी ये है कि एन ऑर्गेनिज्म lives inside other organism and both get benefit। ये आप इसको यूँ कह लेंगे कि both get benefit, दोनों को जो है वो benefit होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो जिसके अंदर वो रह रहा है उसको आप obviously क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं host, और दोनों जो हैं उनको फ़ायदा होता है। ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है इसको आप एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं, और यहाँ से जो है वो किसका आगाज़ होता है, यहाँ से और उन ऑर्गेनिज़म्स का आगाज़ होता है जिनको आप यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले जो आपने यहाँ पर चीज़ समझनी है वो ये है कि ये जो ऑर्गेनिज़म हैं इनमें एंडोसिम्बायोसिस कैसे आई। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि बाज़ औक़ात कुछ वायरस बैक्टीरिया के अंदर एज ए पैरासाइट आते हैं, एज ए पैथोजन आते हैं, लेकिन दोज वायरस एंड अप बेनिफिटिंग दी बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सम टाइम कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर आकर लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करते हैं, और बैक्टीरिया में आके जब वो लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करते हैं तो वो बजाय उनमें क्या होता है कि उनमें उनके रिप्रोड्यूसिंग जीन्स तो ऑफ होते हैं, उनमें उनके उन वायरसेस के रिप्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ होते हैं, यानी वो वायरस जो है वो इन्फेक्शन नहीं फैला रहे होते, वो सिर्फ आके उसके डीएनए में एसोसिएट हो जाते हैं वायरस। लेकिन वो वायरस उस बैक्टीरिया को ऐसी प्रोटीन बनाकर दे रहे होते हैं जो हमारी एंटीबायोटिक जो हम बैक्टीरिया को देते हैं उसके अगेंस्ट होती है। यानी फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है आपके पास, इसको हम जो है वो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल एस्कर्शिया कोलाय है, रॉड शेप्ड है, और ये जो एस्कर्शिया कोलाय है इसके अंदर जाहिर सी बात है एक ऑब्वियस चीज़ है कि इसका जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है या जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, वो सर्कुलर होता है, ठीक है। आप जब इसका एनालिसिस करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि ये जो डीएनए है ये सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो एक और डीएनए का सेगमेंट भी है जो बैक्टीरियल ओरिजिन नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली किसका ओरिजिन है, वो एक्चुअली वायरल ओरिजिन का डीएनए है यहाँ पर,
ऐसे एक डीएनए का टुकड़ा जो है वो यहाँ पर अटैच हुआ है, दिस इज वायरल डीएनए, और ये वो वायरल डीएनए है जो कि इस वक्त किस सिचुएशन में है, इस वक्त लाइसोजेनिक साइकिल में। अब ये जो लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान अगर ये क्या करता है, अगर ये एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जो किसका काम करती है, जो एंटी एंटीबायोटिक का काम करती है, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपने एक एंटीबायोटिक यूज की, उसके अंदर एक वायरस मौजूद था जो ऐसी प्रोटीन बना देता है जो वायरस को फायदा दे देती है। इससे होता क्या है, मैं पॉइंट क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सम टाइम कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर वहां पर एक्चुअली बीमारी फैलाने की कोशिश करने के चक्कर में होता क्या है कि आखिरकार वो पैरासाइटिज्म से किस तरफ चले जाते हैं, वो सिम्बायोसिस की तरफ चले जाते हैं। यही फिनोमिना दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत दफा क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में पेनिट्रेट करता है जस्ट टू कॉज अ डिजीज, बट इट एंड्स अप बिकमिंग ए बेनिफिशियल पार्टनर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म दैट होस्ट, यानी जिस होस्ट से वो फायदा लेने गया था, जिस होस्ट को वो नुकसान पहुंचाने गया था, इन द एंड उसी होस्ट को वो फायदा भी पहुंचाता है और उस होस्ट से फायदा भी लेता है। यही वो चीज है जिसको आप कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है, कि उस होस्ट को भी फायदा देना शुरू कर देता है और खुद भी जो है वो फायदा लेना शुरू कर देता है, तो इसको आप सिम्बायोसिस कहते हैं। यहां पर आप गौर कीजिए कि ये जो वायरल डीएनए है ये क्या कर रहा है, ये इस बैक्टीरिया को ऐसी प्रोटीन बनाकर दे रहा है जो इस बैक्टीरिया पर असरअंदाज होने वाली एंटीबायोटिक के अगेंस्ट है। हम अक्सर कहा करते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि तमाम बैक्टीरिया में वायरस आएगा तो वो एंटी एंटीबायोटिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करे और वो वायरस बजाय नुकसान पहुंचाने के उसी बैक्टीरिया को फायदा पहुंचा दे और हमारी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पर असर ही ना हो। तो यही केस काउंट होता है जब स्टार्ट में, जब लाइफ का आगाज हुआ तो कहा यह जाता है कि एक लार्ज आर्की बैक्टीरिया, ये आर्किया के बारे में ज्यादातर कहा जाता है, लार्ज आर्की बैक्टीरिया ये था प्रोकैरियोट, बट उसके ऊपर किसी एक ऐसे छोटे बैक्टीरिया ने अटैक किया, ऐसे बैक्टीरिया ने अटैक किया विच वॉज एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है, एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब यह है कि इट वॉज यूजिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये एरोबिक बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करता है और जाकर इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड क्या होता है, एंड ये होता है कि इट बिकम्स इट स्टार्ट्स अ रिलेशनशिप विद दिस आर्की बैक्टीरिया, द असिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दिस आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया और ये वाला बैक्टीरिया, ये दोनों एक ऐसे रिलेशन में आ चुके हैं जिसके लिए ये दोनों एक्चुअली रेडी नहीं थे, एक्चुअली ये दोनों इस रिलेशन के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आकर रहना शुरू कर देता है। और अब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या बना रहा होगा, ये बना रहा होगा एटीपी। इसका मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया है ये अब इस आर्किया को क्या प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, एटीपी। और ये जो ये वाला बैक्टीरिया है जो एटीपी बना रहा है, इसको एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको एटीपी बनाने के लिए चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मैं ग्लूकोज नहीं कह रहा क्योंकि ग्लूकोज जरूरी नहीं है, फैट्स के जरिए भी बन सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर्किया है ये इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करेगा और ये इन रिटर्न उसको एटीपी जो है उसकी दौलत से मालामाल कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो बैक्टीरिया हैं, दोनों बैक्टीरिया ये एक ऐसे रिलेशन में आ गए जिसमें इन दोनों बैक्टीरिया को फायदा ही फायदा हो रहा है। इसको आप कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अभी आप लोगों से सवाल लेता हूँ, बेटा एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ये वो एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो एक वाहिद ऑर्गेनिज्म है
अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये चीज मिस हो गई है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये देखिए, ये एक वो आर्की बैक्टीरिया था कि जिसने एक ऐसे बैक्टीरिया को एंगल्फ किया, एक ऐसे बैक्टीरिया का इंटेक किया, जो कौन सा बैक्टीरिया था, जो एरोबिक बैक्टीरिया था, जो ऑक्सीजन यूज करके क्या बना रहा था, जो ऑक्सीजन यूज करके एटीपी बना रहा था, बजाय इसके कि ये इसको जो है वो इसके अंदर जो है वो एक पैथोजेनिसिटी कॉज करता, बजाय इसके कि ये इसको जाकर नुकसान पहुंचाता, दे एंडेड अप इन अ रिलेशनशिप। और जब इनमें वो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, जिसको आप एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह रहे हैं, तो अब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया का आना जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर जो है वो गुजारा नहीं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। बाकी तमाम ऑर्गेनल्स अपना काम कर लें, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसका माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है, क्योंकि एक एफिशिएंट वे से यूकैरियोट जो है वो एफिशिएंट वे में यूकैरियोट कब एटीपी हासिल कर सकता है, जब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो। अभी मैंने कल परसों आपको बताया था कि फर्मेंटेशन का कोई फायदा नहीं है यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जितनी हैवी एक्टिविटी कर रहा होता है, फर्मेंटेशन उतनी एटीपी प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। ऐसी सूरत में बैक्टीरिया को बहरहाल, बैक्टीरिया कह रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल को बहरहाल एरोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, और वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ इसमें पॉसिबल है यूकैरियोटिक सेल के लिहाज से, वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया, जो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर सिम्बायोसिस जिसने क्रिएट कर ली, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो असल में बहुत ज्यादा फायदेमंद इस वजह से है, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब यहां पर गौर करें बेटा, मैं सिर्फ एक चीज मुझे और बताने दें, फिर सवालात की तरफ आते हैं। ये जो बैक्टीरिया जब इस माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर रहा है, तो गौर करें इसमें पहले से कुछ वो मौजूद हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। इस डायग्राम पर अगर आप गौर करते हैं, इसमें ऑलरेडी कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आ रहा है बाद में, इसके अंदर पहले से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कहाँ से आते हैं बेटा? इस थ्योरी को आप कहते हैं, इस हाइपोथेसिस को आप कहते हैं, सॉरी थ्योरी नहीं है ये, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, इन्होंने अपने, इसको आप कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन से क्या मुराद है बेटा? कंपार्टमेंटलाइजेशन से मुराद ये है कि हमारा जो सेल होता है ना, मैं अगर आपको एक जो है वो एक डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, हमारा जो सेल होता है, इस सेल के अंदर इन ऑर्गेनल्स का मकसद क्या होता है? एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के साथ साथ हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ बड़ा कुछ होता है आपके पास, वैक्यूम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी अपरेटस होता है, ठीक है, ये गोल्जी अपरेटस है आपके पास। इन तमाम के तमाम का मकसद क्या होता है? इन तमाम ऑर्गेनल्स का मकसद होता है सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन फ्रॉम देयर ओन रिएक्शन। इनके अपने अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनसे साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन को अलहदा रखना। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियर एनवेलप है और उस न्यूक्लियर एनवेलप में आपके पास डीएनए मौजूद है, तो वो डीएनए जो है वो मैं अभी यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत आरजी तौर पर बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये डीएनए मौजूद है, डीएनए थ्रेड्स मौजूद हैं आपके पास, 46 डीएनए थ्रेड्स आपके पास मौजूद हैं। इन 46 डीएनए थ्रेड्स को एक बड़ा ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। बाहर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, बाहर है आपके पास सबक साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का एक अपना एनवायरनमेंट है, साइटोप्लाज्म का एक अपना सोल्यूशन है। यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, अगर वो न्यूक्लियस में एंटर हो जाते हैं तो वो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी सूरत में आप डीएनए और साइटोप्लाज्म इनके दरमियान में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप का, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मकसद यही होता है कि जो अंदर के प्रोसेसेस हैं उनको बाहर के प्रोसेसेस से सेपरेट करना। तो कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया थे कि जिन्होंने क्या शुरू किया, जिन्होंने इंटरनल जो कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू कर दी, अपनी ही मेम्ब्रेन को अपने ऑर्गेनल्स के गिर्द उन्होंने
जो है वो सराउंड करवाना शुरू कर दिया, और डिफरेंट जगहों पे जो रिएक्शन हो रहे थे, जैसे इस पॉइंट पर अगर कोई रिएक्शन हो रहा था, कलर चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी इस जगह पर कोई रिएक्शन हो रहा था, तो इस जगह पर होने वाले रिएक्शन को उन्होंने मेम्ब्रेन के जरिए बाकी तमाम साइटोप्लाज्म के रिएक्शन से अलहदा कर दिया। इस जगह पर एक रिएक्शन हो रहा था, इन्होंने बाकी तमाम साइटोप्लाज्म से अलहदा करने के लिए इसके इर्द गिर्द अलग मेम्ब्रेन बना दी, ये न्यूक्लियस बन गया। इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो बाकी तमाम साइटोप्लाज्म से अलहदा हो। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है उसका जो प्योर मकसद था वो ये था कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होने वाले रिएक्शन को बाकी तमाम साइटोप्लाज्म के रिएक्शन से अलहदा कर देना। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन प्लस जो दूसरा हाइपोथेसिस अभी हमने कहा है एंडोसिम्बायोसिस, इनके जरिए जो है वो कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल बना है। लेकिन एंडोसिम्बायोसिस के बारे में एक बात ध्यान में रखिए कि एंडोसिम्बायोसिस के नतीजे में जो ऑर्गेनल्स बने हैं वो तमाम ऑर्गेनल्स कौन से हैं, वो ऑटोनोमस हैं। ऑटोनोमस से क्या मुराद है कि दे कैन गो ऑन देयर ओन, वो मैं सारा कुछ अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो वो एग्जैक्टली बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिशन कर लेता है। तो अगर वो बाइनरी फिशन करता है, हमारे अपने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिशन कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑटोनोमस है, या उसको आप सेमी ऑटोनोमस कहेंगे कि वो हमारे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब उसकी नीड ज़्यादा होती है तो वो अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जिसको आप कहते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस है। और ये सेमी ऑटोनोमस क्यों है, अब देखिए मैं अब आपको यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हाउ कैन वी नो। बेटा आपने अपने ना हैंड रेज कर दें जिनके क्वेश्चन है, मैं ये एक बात बता कर फिर वापस आता हूँ। हाउ कैन वी नो दैट एन ऑर्गेनल इज सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस कह लीजिए, या इसको मैं एन ऑर्गेनल के बजाय एक और काम करूँ, इसको मैं यहां कहता हूं जी माइटोकॉन्ड्रिया, दैट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस क्यों? देखिए इसके पास सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दूसरे नंबर पे इट ओनली नीड्स बाहर से सिर्फ और सिर्फ इसको क्या चाहिए, ओनली नीड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको ये स्प्लिट करके क्या कर सके, इसको ये स्प्लिट करके अपना जो है वो एनर्जी बना सके, बस, जिसकी वजह से आप इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यही क्वेश्चन आप रिपीट करें, हाउ कैन वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज एंडोसिम्बायोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल कैसे है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हाउ कैन वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्रॉम बैक्टीरियल ओरिजिन, बैक्टीरियल ओरिजिन से कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका बैक्टीरियल ओरिजिन कैसे है हमारे सेल्स में। फॉर एग्जांपल हम तो अब एवोल्यूशन के दौर से बहुत आगे आ गए ना, हम तो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के दौर से बहुत सदियां बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। तो अगर हम इतना आगे आ चुके हैं तो आज के दौर में हमारे पास क्या सबूत है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन बैक्टीरियल है? बेटा बहुत वाज़ह चंद एक सबूत है हमारे पास। नंबर वन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बिल्कुल इस तरह जैसे बैक्टीरिया का होता है, इनका डीएनए सर्कुलर होता है। नंबर टू, ये बाइनरी फिशन करता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, ठीक है। नंबर थ्री, इनर मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी चेन। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया में भी एग्जैक्टली यही होता है, बैक्टीरिया की भी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। यहाँ पर एक बहुत वाजे मैं बैक्टीरिया के बारे में आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों को ये बात अगर आप में से कोई एफएससी पढ़ा चुका है तो शायद ये बात आप लोगों को आज तक समझ ना आई हो। एक चीज है जिसको हम कहते हैं मीसोसोम्स, ये एफएससी की बुक के अंदर मेंशन है मीसोसोम्स। मीसोसोम्स क्या है? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो मेम्ब्रेन से काफी ज्यादा बाहर आए हुए, इतने बड़े बड़े एंजाइम्स हैं जो मेम्ब्रेन से काफी ज्यादा हद तक जो है वो बाहर को अपियर हुए होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको आगाज में क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया
मीसोसोम्स का। अब ये क्या चीजें हैं, ये एक्चुअली हैं वो एंजाइम्स विच कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड ऑल अदर थिंग्स। और यही चीजें आपको एक और चीज नहीं लग रही, ये किससे मिल रहा है बेटा? ये फोल्डिंग्स जो हैं, ये आपको क्रिस्टी और इसके अंदर ये जो थोड़ी छोटी अपीयरेंस है, ये आपको उससे नहीं मिलते जुलते लग रहे, जिनको आप F1 पार्टिकल्स कहा करते थे, ATP सिंथेस कहा करते थे, ये उनसे नहीं मिलता जुलता लग रहा? बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर लग रहा है ये जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और ये मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सपोज ये मैंने ई कोलाई का स्ट्रक्चर बनाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये मैंने ई कोलाई का स्ट्रक्चर बनाया। तो अगर ई कोलाई की इनर मेम्ब्रेन में वो एंजाइम्स मौजूद हैं जो रेस्पायरेशन कर सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑलमोस्ट वो एंजाइम्स मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से इसके जो राइबोसोम्स हैं उनका साइज एग्जैक्टली वो है जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, बैक्टीरियल राइबोसोम का। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है? 60S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 60S होता है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम का साइज भी 60S है। नंबर 5, इसके अंदर अपना RNA मौजूद है, अपने एंजाइम्स मौजूद हैं। अब ये सारा कुछ हमें क्या बताता है कि ये कोई ऑर्गेनेल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट एन ऑर्गेनेल, इंस्टेड इट इज एन ऑर्गेनिज्म जो हमारे सेल्स में एक परमानेंट सिम्बायोटिक रिलेशन में आ गया है, जिसने हमारे सेल को यूकैरियोटिक सेल होने के काबिल बनाया है। तो ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ये आपको ये कहती है कि पहले मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुई, हर सेल ने जिसने मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की उसने अपने अंदर होने वाले पर्टिकुलर रिएक्शंस को साइटोप्लाज्म से अलहदा करने के लिए उन रिएक्शंस के गिर्द क्या बना ली, एक मेम्ब्रेन बना ली। ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है। दूसरा क्या है कि ATP हासिल करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, किसी एक बैक्टीरिया को इंगल्फ किया, ऐसे बैक्टीरिया को जो एरोबिक था, और अल्टीमेटली उनको उस एरोबिक बैक्टीरिया से ATP मिलना शुरू हो गई। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ यूकैरियोटिक फिनोमेना। जी बेटा आप बताइए, मैंने आप लोग उसका था, आप हैंड रेज कर दें यहाँ आकर, ऐसे मोबाइल में भी ऑप्शन है। जी एनी क्वेश्चन सर? सर जब लाइसोजेनिक वायरस जो है वो किसी भी होस्ट के वायरस में आके इनकॉर्पोरेट होगा, तो ये जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ही वो कोई ना कोई प्रोटीन बनाए? इसमें जरूरी मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये ऐसा जरूर है कि ये कोई पेट रूल नहीं है कि वो प्रोटीन बनाएगा, और ये पेट रूल भी नहीं है कि वो बिल्कुल खामोश पड़ा रहे, बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल वही फिनोमेना जो एंडोसिम्बायोसिस का है वही परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि लाइसोजेनी में कुछ नहीं होगा, या ये भी कंफर्म नहीं है कि लाइसोजेनी में वाकई कुछ होगा। ठीक है, बाज़ अगर बैक्टीरिया इतने वायरस इतने छोटे होते हैं कि उनको जो है वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ पड़े रहते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारी अपनी बॉडी के अंदर 40% DNA हमारा अपना, 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स का 40% DNA वायरल DNA पर मुश्तमिल है। वो वायरल DNA जो कि कम्प्लीटली शट डाउन है, कम्प्लीटली ऑफ है। ठीक है, उनमें से अगर किसी एक में म्यूटेशन होती है तो सम टाइम ऐसे डिजीज निकल के आती है कि जिसका इलाज ही कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही बैक्टीरिया के साथ भी हो सकता है। जी और सर, ये जो ऑर्गेनेल्स में मतलब डबल मेम्ब्रेन बायलेयर मेम्ब्रेन इवॉल्व जब हुई है, तो क्या मतलब ये जब ऑर्गेनेल इवॉल्व हुई है उसके साथ ही डबल मेम्ब्रेन हुई होगी कि ऑर्गेनेल होने के बाद ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुई होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनल कहलाता ही वो चीज़ है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अगर राइबोसोम है उसको आप ऑर्गेनल नहीं कहते। ठीक है, राइबोसोम का आप ऑर्गेनल क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, वो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर RNA मौजूद होता है, यानी वो राइबोसाइम मौजूद होता है। और ये जो राइबोसोम है ये बेसिकली एक ऐसा राइबोसाइम है जिसके इर्द गिर्द प्रोटीन की लेयर होती है, और प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन लेयर जो है वो मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन की डेफिनेशन वो है जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के मुताबिक है, यानी वो बायलेयर हो, लिपिड से बनी हुई हो और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड हो। अब गौर कीजिए कि अगर आप जहाँ तक कह रही हैं कि जो ऑर्गेनल जो है वो मेम्ब्रेन बनने से पहले भी था या बाद में था, तो कोई भी
रिएक्शन या कोई भी कंपार्टमेंट ऑर्गेनल बना ही तब है जब उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन आई। राइबोसोम कभी भी ऑर्गेनल नहीं कहला सकता, क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। वो आज तक वैसे के वैसे केमिकल फैक्ट्री जरूर है, प्रोटीन फैक्ट्री जरूर है, वो ऑर्गेनल नहीं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से आप कहेंगे कि ऑर्गेनल वजूद में ही तब आता है जब उसके जब किसी रिएक्शन के इर्द गिर्द प्रॉपर मेम्ब्रेन बन जाती है, रिएक्शन के गिर्द या किसी पार्ट के गिर्द। जी बेटा, तो सर ये जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जिस फॉर्म में फिलहाल हैं, ये इसी फॉर्म में इवॉल्व हुई हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, उसकी वजह पता क्या है? मैं अपनी तरफ से गैस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बात आपको जान के हैरत भी होगी और बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी लगेगी कि हमारी पूरी बॉडी में बहुत से सेल्स ऐसे हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एंजाइम्स ईआर एंजाइम्स वो डिफर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर आपस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके फंक्शंस बराबर नहीं होते। अगर प्लांट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके और हमारे फंक्शंस बराबर नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इवॉल्व ही इस तरह होगा, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर चेंज आया है, विच सब्जेक्टेड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, उसको सिलेक्ट किया गया। तो ऑर्गेनल्स इसी शेप में नहीं बने, उनमें बहुत डेवलपमेंट्स हुई। जी मैडम, तो सर जैसे अब एक सेल है उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एटीपी के लिए, ये बाकी ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो वो कौन सा सेल होगा? वो वर्किंग तो कर पाएगा ना? देखिए, आप इसको यूं कह रहे हैं कि ऐसा सेल है हमारी बॉडी में लेकिन उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। हाँ, उसमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं है, बाकी ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। और वो किसकी बात कर रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, खास तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन नेसेसरीली मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया तो काफ़ी अच्छी तादाद में होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। तो मतलब है तो वो सेल ही, लेकिन आप उसको क्या कहते हैं कि जितनी आरएनए की हाफ जितनी आरएनए की लाइफ होती है बस वो सेल वहीं तक जी सकता है। तो वो एक वर्किंग यूनिट तो है लेकिन उसमें सेल होने का पूरा सामान जो है वो नहीं है, क्योंकि आरबीसी में तो डीएनए भी नहीं है, आरएनए जरूर है, डीएनए नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी सेल में कोई एक ऑर्गेनल मिस हो, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिस हो और वो सेल वर्किंग कर सके। लेकिन सर ऐसा नहीं होता कि जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है वो मुस्तकिल हीमोग्लोबिन बना रहा है, और वो अगर मुस्तकिल हीमोग्लोबिन बना रहा है तो हर दफा प्रोटीन बनाने में जब आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो आपको एटीपी देनी पड़ती है, और वो एटीपी कहीं और से नहीं, वो रेड ब्लड सेल के अंदर से आती है। रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन सर मुस्तकिल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए तो न्यूक्लियस डीएनए चाहिए होगा ना? तो डीएनए को तो रेड ब्लड सेल को तो जब वो मतलब मैच्योर हो गया होगा उसका न्यूक्लियस ख़त्म होने वाला होगा, तो न्यूक्लियस ख़त्म होने से पहले पहले क्या उसे अपनी हीमोग्लोबिन नहीं बनानी पड़ेगी? जी बेटा, इसका कोई आंसर देगा? इसका मैं आंसर दे चुका हूँ, और ये मैं आपको कब दे चुका हूँ? जी जी, समीना बोलिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जुहक है समीना जी का, जी जी, उसमें से आप न्यूक्लियस निकाल देते हैं लेकिन रेड ब्लड सेल के पास 120 दिन के लिए आरएनए मौजूद होता है, डीएनए नहीं होता। उस आरएनए की लाइफ 120 दिन है। ये आपको कुछ अर्सा पहले पढ़ाया मैंने, मुझे वो चैप्टर नहीं याद आ रहा, ये कुछ अर्सा पहले पढ़ाया।
वो जो आरएनए है वो 120 दिन सर्वाइव करता है, और जैसे ही वो आरएनए खत्म होता है रेड ब्लड सेल भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए डीएनए जरूरी नहीं है उन्हें 120 दिन के लिए, लेकिन उन्हें 120 दिन के बाद डीएनए जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि नहीं होता लिहाजा उनको स्प्लीन में पहुंचा दिया जाता है जहां उनका जनाजा पढ़ के उनको दफन कर दिया जाता है। जी बेटा, टॉपिक से रिलेटेड आ जाए फटाफट क्वेश्चन अगर है आप तो। अच्छा, अभी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ने, ये हैरत अंगेज तौर पर बड़ा कंजर्व डीएनए, ये ऐसा डीएनए है कि जिसके जरिए आप बड़ी बड़ी लंबी लिनियजेस बना लेते हैं, बड़े बड़े आप वो कनेक्शन जोड़ लेते हैं, आप जो है वो एवोल्यूशनरी स्टडीज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जरिए करते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि इसका बैक्टीरियल ओरिजिन है, लिहाजा आप बड़ी पीछे तक स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, ये एक ऐसा डीएनए है जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, ये कंजर्व रहता है। आप यकीन करें, आपको याद है मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताया था कि हमारी बहुत सी इनहेरिटेड डिजीज़ वो होती हैं जो हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के म्यूटेट होने की वजह से होती हैं। बहुत सी ऐसी इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, बहुत सी ऐसी मस्कुलर डिजीज़ हैं, बहुत बाजों का डायबिटीज़, और जो हमारे हार्ट अटैक होता है, हमारे जो कार्डियक डिजीज़ होती हैं उनकी वजह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे बाकी सारे जीन्स ओके होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा जो कार्डियक डिजीज़ आ जाती हैं, मस्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं, लेकिन अगर वो नहीं आती तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बड़े लंबे अरसे तक कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहने का मतलब ये कि उसमें चेंजेस नहीं आते, जिसकी वजह से आप इसमें एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं इसके ज़रिए, और वो एवोल्यूशनरी स्टडी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि आप इस वक्त जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर दो तरह की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोमल डीएनए के बारे में भी कहा जाता है कि वो कंजर्व्ड है, ये भी मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें भी चेंज नहीं आता राइबोसोमल डीएनए हमारे अपने डीएनए। दूसरा डीएनए जो कंजर्व्ड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनकी बहुत बड़े पैमाने पर स्टडी की जाती है एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको बताने लगा था कि इसके अंदर यही था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एवोल्यूशन में, और हम उसको जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, जो मैं आपको एक और बात बताने लगा था वो ये था कि हमारा जो मेटर्नल ओरिजिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वी ओनली गेट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर नॉट फ्रॉम द फादर, बिकॉज ओनली एग कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मेल गैमेट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंट्रीब्यूशन होती है, दैट कंट्रीब्यूशन इज ओनली द न्यूक्लियस। वो भी आगे जाके जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों न्यूक्लियाई, तो उसके बाद मेल गैमेट की कोई अहमियत नहीं रह जाती, मेल गैमेट बाकी सारा का सारा एग से बाहर होता है। सो उसके अलावा जो कुछ भी आपको मिल रहा है दैट इज फ्रॉम द मदर। इसमें जो है वो गालबन आपका जो साइटोस्केलेटन होता है वो भी आपको मदर से मिलता है। फिर एक और ऑर्गेनल था जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, मेरे माइंड से पता नहीं क्यों स्लिप हो गया, वो ऑर्गेनल भी हमें मदर से मिलता है, वो और कहीं से नहीं मिल सकता। ये जो है वो इसके जरिए हम मैटरनल ओरिजिन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अब ये एक और बड़ी मजे की बात है यहाँ पर, ना मतलब मैं ये बताना भूल गया लेकिन ये ऑब्वियस सी बात थी, और वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हिस्टोन नहीं होते बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हिस्टोन नहीं होते, सर्कुलर डीएनए बताया था ना मैंने आपको। दूसरा जो है ना, इसके अंदर हिस्टोन नहीं होते, और यूकैरियोटिक सेल में आम तौर पर जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती। तो और यही चीज जो है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें जहां तक लिखा हुआ है कि साइटोस्केलेटन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का अपना साइटोस्केलेटन, वो जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में अव्वल तो हमें यही बताया जाता है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको साइटोस्केलेटन बढ़ाते हुए ये सेंटेंस भी दिखाया था इसी बुक से, और मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट वो रिसर्च पेपर भी दिखाया था जिसमें वाजे तौर पर वो प्रोटीन्स लिखी हुई थी जो एज ए साइटोस्केलेटन परफॉर्म करती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
उस तरह का साइटोस्केलेटन मौजूद है जो प्रोकैरियोटिक सेल में था। यूकैरियोटिक सेल वाला साइटोस्केलेटन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। तो इस वजह से फिर आप कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वाकई में एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन ऑर्गेनिज्म है, जिसका जो है वो बैक्टीरियल ऑरिजिन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको थ्रो करता हूँ। क्वेश्चन ये है बेटा कि साथ साथ मैं जो है वो एक अदद रिसर्च पेपर भी ओपन कर रहा हूँ, क्या आप में से किसी को आइडिया है कि एंडोसिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में क्या फर्क है? सर म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को ही फायदा होता है और सिम्बायोसिस में भी तो दोनों को ही फायदा होता है। फर्क क्या? बेटा मैंने ना इसलिए ये इस वक्त जो है वो यहाँ पर बात कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना ये चीज दोबारा कभी ना भूले। हम इसको डायरेक्ट रिसर्च पेपर से लिखें ताकि हमें इसमें डाउट ना रह जाए कि हमने बात जो है वो कोई एम ई सीखी है। सबसे पहली बात यह है कि दिस रिसर्च पेपर इज़ फ्रॉम 2008 इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। ये आपका जर्नल है, ये आपका जो है वो उसका पब्लिशिंग टाइम है, ये इसके जो है वो ऑथर्स हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए, द टर्म म्यूचुअलिज्म इज नॉट सिनोनिमस विद सिम्बायोसिस, कोऑपरेशन और फैसिलिटेशन। The term symbiosis identifies an intimate close association between species in which large majority or entire life of one species occurs within or in very close association with another. पहली बात, mutualism के बारे में ये कहा जाता है कि वो long term नहीं होता बाज़ात, लेकिन symbiosis necessarily long term होता है और sometime entire life होती है, जैसे हमारे गट में मौजूद बैक्टीरिया, जैसे हमारे माउथ में मौजूद बैक्टीरिया हैं, जैसे माइकोराइजा है, जैसे lichens है, ये entire life के लिए होते हैं। दूसरी बात, often this is the most important thing, one species is not free living but inhabits the body of another species. A mutualism can also be symbiosis and many symbioses are also mutualistic, but not all symbioses are mutualisms and not all mutualisms are symbiosis. अब ये बात जो है ये थोड़ी सी गुमावी कर रहा है बात कि जो है वो ये यहाँ ये disturbing है, लेकिन एक जो बहुत particular बात आपने ज़हन में रखनी है, interaction between algae and fungi that comprise lichens between termites and the protozoa that inhabit the digestive system are examples of mutualistic symbiosis. In contrast, plant pollinator mutualisms are not symbiotic, as both partner species are free living. अब आप गौर कीजिए, symbiosis में कोई एक species free living नहीं होती, completely dependent होती है दूसरे। plant की roots और fungi, इनके दरमियान में जो association है वो mycorrhizal है। और आपको पता है कि यहाँ भी लिखा हुआ है आपकी इसी बुक में, कैंपबेल में भी, 95% प्लांट्स ऐसे हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन में रहते हैं, उनकी रूट्स में फंजाय होती है, 95% प्लांट्स ऐसे। अब आप कहाँ जाएंगे, यानी आप इस लिहाज से कहते हैं कि अब इसमें कौन फ्री लिविंग है, इसमें प्लांट फ्री लिविंग है, फंजाय फ्री लिविंग नहीं है, क्योंकि फंजाय है हेटरोट्रॉफ, वो अपना फूड लेता है किससे, वो अपना फूड लेता है प्लांट से। अगर माइकोराइजा में फंजाय प्लांट से सेपरेट हो जाए ना, तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो 100% से 15% पे आ जाएगी, लेकिन प्लांट फिर भी ग्रो कर सकता है। लेकिन फंजाय अगर प्लांट से पैदा हो जाती है और उसको कोई और फूड सोर्स नहीं मिलता तो वो डेड हो जाए। यानी इसका मतलब, अब इसी तरीके से एक और है टर्माइट, जिसको दीमक कहते हैं, दीमक की गट में एक प्रोटोजोन होता है जो उसको फूड ब्रेक करके देता है। अब वो जो प्रोटोजोन है ना वो फ्री लिविंग नहीं है, जो टर्माइट है वो फ्री लिविंग है। सिम्बायोसिस में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में से एक फ्री लिविंग नहीं होता, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है। उन्होंने पोलिनेटर्स की बात की है, एक पोलिनेटर इंसेक्ट है, ठीक है, या बर्ड है,
अब अगर वो बर्ड भी फ्री लिविंग है, प्लांट जिस पे उसने पोलिनेशन करनी है वो भी फ्री लिविंग है, अगर वो बर्ड आप माइनस भी कर देते हैं तब भी हवा के जरिए पोलिनेशन का चांस है, और उस प्लांट के सर्वाइवल पे उस बर्ड का होना या ना होना कोई सवालिया निशान नहीं पैदा कर। अगर वो बर्ड चला भी जाता है प्लांट सर्वाइव कर लेगा वो, तो ऐसी सूरत में दोनों फ्री लिविंग है। इसका मतलब है जो जब दोनों फ्री लिविंग होगी वो म्यूचुअलिज्म है, और जब कोई एक फ्री लिविंग नहीं है तो उसको आप कहेंगे सिम्बायोसिस। ये एक वो चीज है जो कि बड़ी एक वाज़े एग्जांपल से दोनों को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये बात, उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा रिसर्च पेपर है विच इंडिकेट्स अबाउट द सिम्बायोसिस। इसमें सिम्बायोसिस के बारे में भी बड़ा क्लियर बताया हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि एंडोसिम्बायोसिस के साथ साथ ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सिम्बायोसिस उसको क्यों कहा गया है, उसको एंडो म्यूचुअलिज्म क्यों नहीं कहा गया। एक सवाल क्रिएट हो सकता है ना कि म्यूचुअलिज्म भी वही और सिम्बायोसिस भी वही, तो फिर उसको एंडो म्यूचुअलिज्म क्यों नहीं कहा गया, एंडोसिम्बायोसिस क्यों कहा गया, उसकी ये रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर सिम्बायोसिस में ये दोनों रिसर्च पेपर के लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, वो भी कोई मसला नहीं है, डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर खैर टाइम हमारे पास कम है, इसको डिस्कस नहीं करते, तो ये दोनों मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा रिसर्च पेपर्स। सो ये जो है वो इसको इस वजह से एंडोम्यूचुअलिज्म नहीं कहा गया। अच्छा, अब आइए अगली बात की तरफ, जल्दी से एक बात को ख़त्म करते हैं बेटा। जो उसके बाद जो अगली बात आती है वो ये है कि ये तो वो ऑर्गेनिज्म है, ये वाले यहाँ तक तो वो ऑर्गेनिज्म है विच वर हेटरोट्रॉफ्स। अगर ये यूकैरियोटिक बन भी गया ना, अगर ये यूकैरियोट बन भी गया, यानी इसने एक माइटोकॉन्ड्रिया को अपने साथ जो है वो इंगल्फ कर लिया और ये यूकैरियोट बन भी गया, तो ये कौन सा यूकैरियोट है, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट है। हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट सिर्फ कौन हो सकते हैं, एनिमल्स और फंजाय। ठीक है, एनिमल्स फंजाय या फंजाय लाइक और एनिमल लाइक। एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को आप प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है, एनिमल लाइक और फंजाय लाइक सिर्फ यही हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं। जो इसका मतलब है हमारे यहाँ तो ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स भी मौजूद है ना, तो फिर वो कैसे बने। ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स जो हैं उनका बनना वो बेसिकली वो इस तरह हुआ कि जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएट हो गया एज एन एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल, बिल्कुल ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी सेल के अंदर एसोसिएट हो गया एज एन एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल, और इस क्लोरोप्लास्ट ने इसको क्या बनाने के देना शुरू कर दिया, हाई एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज। हाई एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर देना शुरू कर दिया। बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, याद रखिए ये भी बैक्टीरिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कौन सा बैक्टीरिया कहेंगे, ये बेटा वो कौन से बैक्टीरिया है जो प्लांट्स वाली फोटोसिंथेसिस करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये वो बैक्टीरिया है, जैसे ये वाला जो बैक्टीरिया है जिसने अब इन सेल्स को क्या बना दिया, इन सेल्स को अब उसने ऑटोट्रॉफ बना दिया, इट इज मोस्ट प्रोबेबली अ साइनोबैक्टीरिया जो बिल्कुल उसी तरीके से सेल के अंदर आकर रहना शुरू हुआ जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया रहना शुरू हुआ। तो उसके नतीजे में फिर ये जो यूकैरियोट्स हैं दे बिकेम व्हाट, दे बिकेम ऑटोट्रॉफ एज़ वेल। तो यहाँ पर जो एक बात लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर एक चीज क्लियर लिखी हुई है कि ये मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, देखिएगा इसको। अच्छा, इसमें देखिएगा, ऑल दो ऑल यूकैरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया और रेमनेंट्स ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स, दे डू नॉट ऑल हैव ब्लास्टिड्स। Thus, the serial endosymbiosis hypothesis supposes that mitochondria evolved before blastids through a sequence of endosymbiotic events. Serial endosymbiosis क्या है? Serial का मतलब होता है तरतीब के साथ, एक तरतीब। Serial endosymbiosis ये कहती है कि क्योंकि तमाम cells में mitochondria necessarily है, लेकिन तमाम cells में chloroplast नहीं है modern दौर में, तो इसका मतलब है पहले mitochondria की endosymbiosis हुई है, बाद में किसी एक लाइन में जाकर क्लोरोप्लास्ट भी यानी साइनोबैक्टीरिया भी एंडोसिम्बायोटिक बन गया। तो इसका मतलब है पहले माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोट बना, बाद में क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्बायोट। ठीक है, तो ये है सीरियल एंडोसिम्बायोसिस। इसको जी क्वेश्चन है तो बताइए।